हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा ड्रेस मेकर। और मैं नेहा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल एंड इजी ब्लाउज का डिज़ाइन। ये देखिए, हमने डबल कपड़ा लिया हुआ है। अब हम इसको मोड़ लेंगे, यानी डबल को ये चार फोल्ड हो गए इसमें अभी। तो अब हम इसको इस तरीके से, ये देखिए, इसको ऐसे रख लेंगे। अब इसमें लंबाई नाप लेते हैं इसकी। तो इसकी लंबाई हमने ली है 10 इंच, और चौड़ाई इसकी थोड़ी कम है, 8 8 ही पड़ रही है। तो यानी हमें 8.5 रेडी चाहिए। तो अभी हम इधर नाप लेते हैं, इधर इधर के जो रेडी चाहिए वो 5.5 है। तो हम मार्जिन लेंगे, 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, यानी 6.5 निशान बनाएंगे। और शेप देने के लिए हम 3 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे, और इधर भी लगाएंगे। तो अब हम चलिए इसको सीधा कर लेते हैं निशान को। ये देखिए, हमने ड्रॉ कर लिया है निशान। तो अभी हम इसको निशान बनाते हैं नीचे। तो 5.5 पर निशान लगाएंगे एंड 6.5 पर। तो अभी आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा हमारा कपड़ा कम है, तो हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। ये देखिए, हमने कपड़ा लिया हुआ है, इसको भी हम 4 फोल्ड करेंगे, यानी इसके 4 लेयर बनाई हुई है मैंने, और इसको भी यहाँ पे रख लिया है। अब हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पर भी। हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है मेरी, आप, हाँ ये सीधी है अभी। तो अभी आप इसमें निशान बनाएंगे। तो ये हमें रेडी 8.5 चाहिए, प्लस 1 इंच का मार्जिन, 1 या 1.5 का मार्जिन रख लेते हैं। तो ये 8.5 से, हाँ तो आप देख सकते हैं, अब हम इसको सीधा कर लेंगे निशान। ये देखिए, सीधा कर लिया है मार्जिन भी। देखिए, ये देखिए आप, ये मार्जिन को बस थोड़ा सा ही कपड़ा लगेगा, बट हमें यहाँ थोड़ा कम पड़ रहा था इसलिए हमने लिया है। तो अब हम इसको, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको शेप देना नहीं आता है तो पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए सीधी। तो अभी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम इसको ऊपर से 1/2 इंच लेंगे, और नीचे से भी जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1/2 इंच वहाँ पे लेंगे। अब हम इसको शेप दे देंगे। तो नीचे से कर्व करते हुए हम ये 1/2 इंच पर मिलाते हुए ऊपर को ले जा के, ये देखिए, हमने शेप दे दिया है इसको। तो आप देख सकते हैं, अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये कपड़ा हमारा इधर से भी कट कर देते हैं। देखिए, अब आप देख सकते हैं, ये से जहाँ से हमने शेप दिया हुआ है उसको हम नीचे से कर्व करते घुमाते हुए निशान से भी नीचे, और इसको उसी तरीके से, देखिए ये हमने कट कर लिया है और हमारा शेप रेडी हो गया है। ये इतना सा मार्जिन है। देखिए, अब इसको हम सीधा कर लेते हैं कपड़े को। पहले ये कट लगा लें सेंटर,
मैं कट लगा लेते जिससे हमें इसका सेंटर पता चलेगा और मार्जिन भी बाजू पे कि बाजू हमारे कितने मोरीज की कितनी है। अब हम इसके फ्रंट साइड को थोड़ा सा मार्जिन देंगे, फ्रंट साइड के कट करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों कपड़ों को आमने सामने रख लेना होता है, एक के दोनों की अपोजिट साइड को आमने सामने रख लेते हैं। ये देखिए हमने रख लिया है और इसको हमने सीधी तरफ से रखा है जहाँ पर हमने निशान बनाए थे। तो अभी आप अभी इधर हम क्या करेंगे, हाफ हाफ इंच का एक्स्ट्रा एक इसी साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन करेंगे और उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए अब इसको कट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड का जो कटिंग है वो भी हो चुका है, तो ये बाजू की कटिंग अब हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया है, स्लीव्स की कटिंग समझ में आई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।